छिंदवाड़ा के वीर शहीद विक्की पहाड़े का पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा लाया गया। देश के सपूत छिंदवाड़ा जिले के लाल नोनिया करबल निवासी जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़ी सीमा पर शहीद हुए। हजारों लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के कफीले पर आतंकी हमले में वह शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव शहीद विक्की पहाड़े को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से बात की। वीर जवान विक्की पहाड़े अपने पीछे 5 साल का बेटा, पत्नी समेत अपना हरा भरा परिवार छोड़ गए है। शहीद जवान को वायुसेना के जवानों द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत माता की जय, वीर जवान अमर रहे के नारे लगे। इस मौके पर सड़क के दोनों ओर आम जनता ने शहीद विक्की पहाड़े को अंतिम विदाई दी। विगत 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के स्यासितार में भारतीय वायुसेना के कफीले पर हुए आतंकी हमले में वायुसेना के 5 जवान घायल हुए थे, जिनका सेना के हेलीकॉप्टर से उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ देर रात तक एक जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहने वाले थे, जो कि बुरी तरह जख्मी थे, उन्हें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकियों ने AK-47 और M4 राइफल से वायुसेना के कफीले पर स्टील बुलेट से हमला किया था। पूरी वायुसेना और देश को उनके शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। शहीद जवान कॉर्पोरल पहाड़े अपने पीछे एक 5 वर्षीय पुत्र और पत्नी समेत अन्य परिवारजनों को छोड़ गए। पहाड़े घर के इकलौते पुत्र थे, जिनकी 3 बहनें भी है। हमें अपने शहीद विक्की पहाड़े की आज बॉडी लाई गई, मैं आज इसमें सम्मिलित हुआ। हमें गर्व है हमारे बहादुर जवान पर, जिसने अपने कर्तव्य की बलिबेदी पर अपना खुद का एक तरह से माँ की सेवा में अपना शरीर समर्पित किया है। यद्यपि ये बात सही है कि आयु इतनी नहीं थी, कायराना हमला हुआ है, सरकार निपटने में सक्षम है और उनको कीमत चुकाना पड़ेगी जिनने ये कायराना हरकत की है। लेकिन ये देश हजारों हजार साल से ऐसे बहादुर जवानों के भरोसे ही अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने स्थान में चरणों में स्थान दे। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूं और सेना पर गर्व करता हूं, जिसने अपनी एक लंबी उज्जवल परंपरा के निर्वहन के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर दे करके सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर शासकीय जो सम्मान हो सकता है वो सब देने का प्रयास किया। लेकिन व्यक्तिगत जो क्षति हुई वो हमारे सबके लिए कहीं ना कहीं मन में खटकती भी है, लेकिन ये प्रेरणा भी देती बाकी समाज के लिए। जीवन में आने के बाद जाना तो सबको है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे द्वारा अपनी ड्यूटी पर अपने प्राण निकल जाए, ये सौभाग्य की बात भी होती है। मैं इस अवसर पर खास तौर पर चुनाव की इस बेला में आया हूँ, लेकिन मेरी लगा कि चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी ये काम है जिसमें मुझे आना चाहिए, इसलिए सारे कार्यक्रम मैं कट करते हुए सबसे पहले छिंदवाड़ा आया हूँ। मेरे सामने कुछ विषय रखे गए हैं कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए हम एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की हमारी जो परंपरा है हम उसके लिए चुनाव आयोग से वो परमिशन लेकर के उसकी मदद पहुँचाएंगे। यद्यपि एयरफोर्स से और बाकी सिस्टम से उसका अपना एक जो भी मिलेगा मिलेगा, सर्विस एयरफोर्स भी देने को तैयार है, अगर वो नहीं दे पाती तो हम अपनी तरफ से भी सर्विस दे सकते हैं। पुत्र के भविष्य की दृष्टि से चूंकि बहुत छोटा बालक है, हम सब मिल के एक तरह से हमारा ही बालक है, शासन चिंता करेगा। उनके नाम पर स्मृति द्वार, प्रतिमा या वार्ड का नाम जो भी चाहेंगे, मैंने कलेक्टर से कहा कि वो जो उपयुक्त हो यहाँ के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाले। नगर निगम के भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं और हम सब भी तैयार है। सरकार अपने बहादुर की शहादत को बेकार नहीं जाने देगा, उसको स्मरण रखेगा, फिर स्थायी बनाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी है और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि विक्की पुनः हमारे बीच आए और देश सेवा हुए पूरे इस पुराने संकल्प को फिर पूरा करने के लिए अपने लिए उस दिशा में कदम बढ़ाए। ओम शांति। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की